हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारदा। मोर टेस्टी फूड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ केले से बने कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे कोफ्ते अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। बनाना शुरू करें। सबसे पहले कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ ये मैंने 4 कच्चे केले उबाल कर लिए हैं। इन्हें मैंने 90% तक ही उबाला है, पूरा 100% इन्हें नहीं उबाला है। उसका एक रीजन ये है, बाइंडिंग के लिए जो इंग्रेडिएंट डालेंगे तो वो कम डलेगा। सभी केलों को छील लेंगे। इन्हें हम फोक से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह का जो कद्दूकस आता है उससे भी कस सकते हैं। तो ये सारे केले मैं कस लेती हूँ। सभी केले ग्रेट करने के बाद मैंने बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिए हैं। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करती हूँ जिससे हमारे कोफ्ते अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, जब भी मुझे कोफ्ते बनाने होते हैं उसमें जो मैं बेसन डालती हूँ वो भून कर डालती हूँ। उससे ये फायदा रहता है, हम छोटे साइज के कोफ्ते बनाएं या बड़े साइज के, वो अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते, बहुत ही स्वादिष्ट कोफ्ते बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो बेसन मैंने भून कर रखा हुआ है वो ठंडा हो चुका है, तो 3 चम्मच बेसन केले वाले मिश्रण में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम केले उबालते हैं तो वो ज़्यादा गल जाते हैं, तो उस स्टेज पर हमें 1-2 चम्मच बेसन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ सकती है बाइंडिंग के लिए। लेकिन इसमें मुझे लगता है और बेसन हमें नहीं डालना पड़ेगा। बिल्कुल डो की तरह ये बन गया है। अब हम कोफ्ते बनाने शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा डो लेंगे और हाथ पर रखकर इसे गोल गोल घुमाएंगे। आप चाहें तो गोल कोफ्ते भी बना सकते हैं या ओवल शेप में, जैसे आपको पसंद है उसी तरह के कोफ्ते आप बना सकती हैं। तो यहाँ मैं ओवल शेप में कोफ्ते को शेप दे रही हूँ। देखिए कितना सुंदर हमारी ये शेप आई है। इसे प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाएंगे। सभी कोफ्ते बन चुके हैं, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई में सरसों का ऑयल गरम कर लिया है। इसमें सारे कोफ्ते फ्राई होने के लिए डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। कढ़ाई में कोफ्ते डालने के बाद तुरंत ना पलटें, पहले चम्मच से ऊपर ऑयल डालती रहें, उसके बाद इन्हें पलटना है। जब तक कोफ्ते अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं सिक जाते तब तक इन्हें उलट पुलट करते हुए घुमा घुमा कर चारों तरफ से सेकेंगे। थोड़ी देर में ही कोफ्ते पे बहुत बढ़िया कलर आ गया है। अब इन्हें हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। फिर से वही कढ़ाई गैस के ऊपर रख दिए। इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 पिंच हींग है, इसे भी डाल देंगे। भुनने देंगे। ये मैंने 6-7 लहसुन की कली, 2 बड़े साइज की प्याज का एक साथ पीस कर पेस्ट बना लिया है, इसे भी ऑयल में डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर जब तक लहसुन प्याज का कच्चापन बिल्कुल नहीं निकल जाता या यूं कहें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक भूनते रहेंगे। लहसुन प्याज भून चुके हैं। अब मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकती हैं। और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले को 1 मिनट तक भूनेंगे। ये 2 बड़े साइज के टमाटर को पीस कर लिया है, इस प्योरी को भी हम कढ़ाई में डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ
टमाटर की प्योरी बना के डाली है। हम बारीक बारीक टमाटर काट कर भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी। अब इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। तो नमक हमें ध्यान से डालना है, जब हमने कोफ्ते बनाए हैं तो नमक उसमें भी हमने डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, जब तक हमारा मसाला तेल नहीं छोड़ देता। मसाले में अच्छे से ऑयल सेपरेट हो रहा है और देखिए कितना बढ़िया हमारा दानेदार मसाला भुना है। मैं आपको दिखाती हूँ, जितना बढ़िया हमारा मसाला भुना होगा उतनी ही टेस्टी सब्जी बनेगी। अब इसमें मैं एक गिलास पानी डाल दूंगी, या जैसी भी ग्रेवी आप रखना चाहें उस हिसाब से पानी डाल लें और ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई से लिड हटाकर देखेंगे, देखिए कितना बढ़िया से मसाला पक गया है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब इसमें मैं कोफ्ते ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें, जिस समय आपको कोफ्ते सर्व करने हो तभी आपको गरम गरम ग्रेवी में कोफ्ते डालने हैं। ऊपर से आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और बिना हरी धनिया पत्ती के तो हर सब्जी अधूरी है, तो धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए गर्मा गर्म कोफ्ते सर्व करती हूँ, जिन्हें आप घी लगी चपाती, नान, राइस, किसी भी चीज़ के साथ खा सकती हैं। बहुत ही टेस्टी कोफ्ते लगते हैं। आप जब भी इन्हें बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक भी कीजिए प्लीज़, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।